प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके हैं और ये सभी पर्सन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस दुर्ग को दुर्गा धीराज कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि राजस्थान के कौन से दुर्ग को दुर्गा धीराज कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, चित्तौड़ दुर्ग। अब डिटेल में बात करते हैं, चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा, याद कर लीजिएगा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये डेट याद कर लीजिएगा, ये पर्सन बन सकता है। और चित्तौड़ किले के मेवाड़ चिनियावे में एक तरफ राजपूत राजा और दूसरी तरफ भील राजा का चित्र अंकित है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, निम्न में से काला और बाला किस लोक देवताओं को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कि काला और बाला किस लोक देवताओं के लिए कहा जाता है, काला जी, तेजा जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, वीर तेजा जी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, राजस्थान में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया और इसे किसी राज मुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया। ये याद कर लीजिएगा, वास्तुकार का नाम भी लालचंद उस्ता। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? रणथंबोर, मेहरानगढ़, कोमलगढ़ या जैसलमेर दुर्ग? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, जैसलमेर दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राजस्थान में सालासर हनुमान जी का मंदिर किस जिले में? राजस्थान के अंदर सालासर हनुमान जी का मंदिर कौन से जिले में है? आप लोग भी आंसर दीजिएगा और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, चूरू। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न में से ऊंट के बीमार होने पे किस देवता की पूजा की जाती है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऊंट के बीमार होने पे किस देवता की पूजा की जाती है, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या रामदेव जी? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, पाबूजी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कौन से देवता की फड़ सबसे प्राचीन है और सबसे लंबी है? किस देवता की जो फड़ है सबसे पुरानी है और सबसे लंबी है? दोनों है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, देवनारायण जी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, राजस्थान का वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए, राजस्थान का कौन सा किला है जिसके अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, आमेर किला, जूनागढ़ किला, नाहरगढ़ किला या अचलगढ़ किला? तो यहाँ पे 9 से आप लोग याद कर सकते हैं, 9 यानी नाहरगढ़ किला, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राजस्थान के किस दुर्ग में मिठे शाह की दरगाह स्थित है? मिठे शाह की दरगाह एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि मिठे शाह की दरगाह है वह कौन से दुर्ग के अंदर है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, गागरोन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, राजस्थान में गोरा बादल महल किस किले में? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपने गोरा बादल की कहानी सुनी होगी, बहुत फेमस है। तो बताइए कि गोरा बादल महल जो कि कौन से किले में, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राजस्थान की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयवान तोप किस दुर्ग में है? राजस्थान की ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जयवान तोप, और ये कौन से दुर्ग के अंदर है? जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए, ठीक है? जयवान तोप जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है,
और ये जयपुर के अंदर है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। जैसे जयपुर और ये जयगढ़ दुर्ग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सन है, और जैसे जयबाण, तो तीनों यहाँ पे ट्रिक बन जाएगी। जैसे जयबाण, जैसे जयगढ़ और जैसे जयपुर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर है जो कि कौन से दुर्ग को कहा जाता है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तारागढ़, कोमलगढ़, अचलगढ़ या रणथंबोर? तो सही उत्तर रहेगा तारागढ़, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न में से पापोजी को किस भगवान का अवतार माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस तरह के पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा राजस्थान जीके कवर करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके राजस्थान जीके के सारे वीडियो आप लोग बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो पापोजी को भगवान लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, देशनों की प्रसिद्ध करणी माता का बचपन का क्या नाम था? देशनों की प्रसिद्ध करणी माता जिनका बचपन का नाम क्या था, ठीक है, करणी माता का बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, रिदुबाई। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, राजस्थान के किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के कौन से दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजे के नाम से फेमस है? जयगढ़, भटनेर, चित्तौड़गढ़ या रणथंबोर? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन डी यहाँ पे उत्तर रहेगा, रणथंबोर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान में गवालों के देवता के रूप में विख्यात कौन से देवता है? गवालों के देवता के रूप में विख्यात कौन से देवता हैं? बबूता जी, फता जी, रामदेव जी या देव बाबा? तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, गवालों के देवता के रूप में देव बाबा को याद किया जाता है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान के किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? मीरा साहब की दरगाह है कौन से दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। रणथंबोर दुर्ग, तारागढ़, मेहरानगढ़ या जूनागढ़? तो ये ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, तारागढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राजस्थानी लोक देवता तेजाजी की समाधि स्थल कहाँ पे है? राजस्थानी लोक देवता तेजाजी की समाधि स्थल कहाँ पे है? रुणेचा, सुरसुरा, ब्यावर या पर्वतसर? तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा पर्वतसर की। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, समाधि स्थल है जो कि सुरसुरा है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। और तेजाजी पशु मेला आप सभी को पता है, तो गलती मत कीजिएगा, कन्फ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, किस दुर्ग में झाली रानी का मालिया महल स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, कौन से दुर्ग के अंदर झाली रानी का मालिया स्थित है? चित्तौड़, लोहागढ़, मेहरानगढ़ या कोमलगढ़? तो झाली रानी का मालिया जो महल है वो कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, रेगिस्तान में बने हुए दुर्ग को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस तरह के पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेगिस्तान में बने हुए दुर्ग को क्या कहा जाता है, यानी जो दुर्ग रेगिस्तान में बना हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो उसको धानवन दुर्ग कहते हैं, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, ठीक है। यानी इस दुर्ग जिसके दूर दूर तक मरुभूमि फैली हो, जिसके चारों ओर मरुभूमि हो, उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राजस्थान में संत मलिक साय की दरगाह किस दुर्ग के अंदर है? राजस्थान के अंदर संत मलिक साय की दरगाह वो कौन से दुर्ग के अंदर है? जल्दी से आप लोग सही उत्तर दीजिएगा कि संत मलिक साय की दरगाह कौन से दुर्ग के अंदर है? गागरौन, जालौर, कोमलगढ़ या सिवाना? तो ये जालौर दुर्ग के अंदर है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्न में से कौन से लोक देवता केहर कल्याण सेसना का अवतार नामों से जाने जाते हैं? किस लोक देवता को केहर कल्याण सेसना का अवतार नामों से जाना जाता है? तेजाजी, हरिराम जी, पाबूजी या वीर कल्ला जी? तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, वीर कल्ला जी, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान में वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? वीर अमर सिंह राठौड़ की जो गाथाएं हैं, उनकी शौर्य की जो गाथाएं हैं वो किस किले से संबंधित है, किस किले से जुड़ी हुई है? बीकानेर, नागौर, कुचामन या जैसलमेर? तो ये नागौर से हैं, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, नागौर का किला जहाँ पे वीर अमर सिंह राठौड़ के शौर्य की गाथाएं मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान के भटनेर किला हनुमानगढ़ का शिल्पी कौन है? राजस्थान के भटनेर किला हनुमानगढ़ का शिल्पी कौन है? नाम बताइए जल्दी से आप लोग, भटनेर किले के शिल्पी का नाम बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा के कई ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्न में से कौन सा किला जिसे गढ़ बिटली कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पर्सन ये पर्सन पूछा गया, गढ़ बिटली किस किले को कहा जाता है? गागरौन, बीकानेर, अजमेर या मेहरानगढ़? तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा अजमेर का किला, ऑप्शन सी, जिसे गढ़ बिटली भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में, आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन पूछा जा रहा है, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। राजस्थान में रानी सती दादी का मंदिर किस जिले के अंदर है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप लोग सही उत्तर दीजिएगा। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं, ट्राई करना आपका काम है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, जयपुर, सीकर, जोधपुर या झुंझुनू, रानी सती दादी का मंदिर। अब बात करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा राजस्थान जीके कवर कराएंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। एग्जाम की दृष्टि से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उस सारे राजस्थान जीके के वीडियो देख लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए और जल्द ही आपको राजस्थान करंट अफेयर के वीडियो भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आप सभी का सहयोग और सपोर्ट चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।